गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा कि इंडियन रेलवे के कोचेस को कौन डिजाइन करता है और वो कोचेस कहाँ मैन्युफैक्चर होते हैं। वैसे कहाँ मैन्युफैक्चर होते हैं हो सकता है आप लोगों को पता हो, तो चलिए बात करते हैं कौन डिजाइन करता है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारी लेटेस्ट सारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो यहाँ पे रेलवे की कोचेस को डिजाइन करता है RDSO, यानी कि रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। अगर हिंदी में कहूं तो अनुसंसाधन अभिकल्प मानव संगठन। अब ये ऑर्गेनाइजेशन एक ISO सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका काम है रेलवे को टेक्निकल असिस्टेंस देना, मतलब रेलवे के जितने भी टेक्निकल काम है उन सभी कामों में रेलवे की हेल्प करना, इसका बेसिक काम होता है RDSO वालों का। तो ये किन किन को टेक्निकल एडवाइजरी देते हैं? ये देते हैं रेलवे बोर्ड को, ये देते हैं यहाँ पे जोनल रेलवेज को, रीट्स को। रीट्स बोले तो यहाँ पे है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल सर्विसेज, ठीक है। उसके बाद आती है यहाँ पे रेलवे की कुछ कंस्ट्रक्शन की कंपनीज है, ये सब उनको का अपनी टेक्निकल असिस्टेंस देते हैं। और इसके जो हेडक्वार्टर है वो है मानक नगर लखनऊ के अंदर। अब ये तो बात है RDSO के, जब मैं बताता हूँ यहाँ पे कोच की डिजाइनिंग किस तरीके से करी जाती है। जब कभी भी रेलवे को किसी नए टाइप के कोचेस को बनाना होता है तो जो रेलवे बोर्ड है वो सबसे पहले RDSO वालों को अप्रोच करता है। और यहाँ पे RDSO अपने इन हाउस रिसर्च सेंटर के अंदर, मतलब लखनऊ के अंदर, एक कोच की ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं, मतलब कि कंप्यूटर के ऊपर उस कोच को पूरा अंदर से बाहर से व्हील अलाइनमेंट, कहाँ पे पहिए लगेंगे, कहाँ पे बफर्स लगेंगे, एग्जैक्ट वगैरह माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल का ग्राफिक तैयार करता है सबसे पहले। तो अगर ज़रूरत होती है तो यहाँ पे RDSO ही एक प्रोटोटाइप भी तैयार करता है, जो कि एक रिप्रेजेंटेशन होती है कि इस टाइप का कोच आपका दिखेगा, ठीक है। उसके बाद इस ग्राफिक को दिया जाता है रेल कोच फैक्ट्रीज को। सबसे पहले तो ये ग्राफिक जाता है रेलवे बोर्ड के पास, जो रेलवे बोर्ड की मैनेजमेंट टीम है, जो वहाँ के चेयरमैन हैं, वो इस डिज़ाइन को अप्रूव करते हैं। मतलब यहाँ पे जो RDSO वाले हैं वो एक प्रेजेंटेशन देते हैं रेलवे बोर्ड ऑफिस के अंदर, और वो उनको कन्विंस करते हैं कि हमने ये चीज़ें क्यों लगाई हैं, इन चीज़ों की क्या ज़रूरत थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक बार रेलवे बोर्ड से कन्फर्मेशन मिलने के बाद, अब जब रेलवे बोर्ड को कन्फर्म होता है कि हमें इन कोच को मैन्युफैक्चर करना है, तो उसके बाद रेलवे बोर्ड ये तय करता है कि हमें कितनी क्वांटिटी चाहिए इसकी और इसकी लागत वगैरह क्या आएगी, ठीक है। उसके बाद ये तय किया जाता है कि किस लोकेशन पर ज़रूरत है इसकी। अब मान लो कोई कोचेस हैं जिनको हमें नॉर्थन इंडिया में चलाना है, तो हम उसे ICF कपूरथला के अंदर मैन्युफैक्चर करवाएंगे, सो दैट कि बाद में बनने के बाद हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच सके, ठीक है। अगर पॉसिबल है तो, मतलब ICF कपूरथला इसको बनाने के लिए की क्षमता रखता है, तो ठीक है। मान लो अगर कोई हमें कोच की जो पूरी ट्रेन है वो साउथ इंडिया में चलेगी, तो हम उसे ICF पेरमपुर में करेंगे, ठीक है। इस तरह से जो भी कुछ फैक्ट्री है उसको यहाँ पे देख के काम किया जाता है। अब एक बार रेलवे बोर्ड ये डिसाइड कर लेता है कि हमें कितनी क्वांटिटी बनानी है, उसके बाद वो कोचेस फैक्ट्री को ऑर्डर दे देता है, और उसके बाद वो कोचेस फैक्ट्री उस डिज़ाइन के बेसिस पर जो RDSO वालों ने बनाया था कोच मैन्युफैक्चर करना शुरू कर देती है। देयर आफ्टर इनको जो है रेलवे बोर्ड को वापसी सौंप दिया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही अभी हुआ है। यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ मैं तेजस एक्सप्रेस का। अब तेजस एक्सप्रेस के अंदर जो कोचेस थे, सबसे पहले RDSO वालों ने उनका डिज़ाइन बनाया, देयर आफ्टर वो डिज़ाइन रेलवे बोर्ड को दिया गया। रेलवे बोर्ड ने वो डिज़ाइन का अप्रूवल देख दाग के सौंपा यहाँ पे ICF कपूरथला को, और ICF कपूरथला यहाँ पे उन्होंने पूरे कोचेस बना करके वापसी रेलवे बोर्ड को दे दिए। अब रेलवे बोर्ड सबसे पहले उन कोचेस को लेगा, उनका इंस्पेक्शन करेगा, उनका ट्रायल रन करेगा, अगर फिट टू रन वो प्रूफ होते हैं उसके बाद उन कोचेस को आगे पब्लिक को सौंप दिया जाएगा एज अ नॉर्मल सर्विस के लिए। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना इस वीडियो को, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले। शुभम कुमार सैनिक का फॉर टुडे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।